मैं सुबह से करीबन 4 जिलों में गया हूँ, 10 मंडियों में होके आया हूँ। किसान 10 10 दिन हो गए, 15 15 दिन हो गए, कई मंडियों में बैठे हैं, अपनी फसल लेके बैठे हैं, पर कोई खरीदने वाला नहीं है। दिन रात वहां बैठे हैं, कोई अफसर मिलने नहीं आया, कोई फैसिलिटी नहीं है, बारिश पड़ रही है, फसल खराब हो रही है, और उनको डर है कि अभी ये फसल जब खराब होगी फिर सेंटर की सरकार और पंजाब सरकार बोलेगी हमने नहीं खरीदनी नहीं है। इतना बुरा हाल मैंने आज तक नहीं देखा जैसे पंजाब सरकार ने किया है। बारदाना जो 2 महीने पहले इंतजाम करना था अभी तक नहीं किया। ये सारी अरेंजमेंट्स 2 महीने पहले हो जाती हैं, पर क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाब का फार्म हाउस से बाहर निकलता है नहीं, उसको मालूम ही नहीं प्रॉब्लम क्या है। पर वो तो दावा कर रहे हैं जी रोज किसानों की बाइटें करवा के दे रहे हैं कि हमने ये कर, अगर बाइटें कराने चाहिए उनको। मीडिया मेरे साथ आज, आपको बेनती करता हूँ मंडी कोई भी मंडी चले जाएं, हालात वही है। तो सर कोविड को लेकर किस तरह की सिचुएशन देखते पंजाब की खास? पंजाब आज हेल्थ मंत्री ने बोला कि किसी भी बंद करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में कोविड को जो बचने सबसे ज्यादा तैयारी बचने के लिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने आप को बिल्कुल बंद कर दिया। पर पंजाब के लोग, यहाँ कोई अस्पताल में जगह नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था 1000 करोड़ कैप्टन साहब बोल रहे हैं हमने कोविड की तैयारी के लिए लगाया है, बताए कहाँ लगाया है, एक जगह बताए कहाँ है। लोग सड़कों में पड़े हैं।